हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है सिक्स क्लास के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यह बिहार के सभी जिला के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को यहां से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर एक की तरफ हम लोग चलेंगे। तो पहला नंबर है, बसंती हवा कविता के कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला हम लोग देखेंगे तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। उसके बाद दोपहर से पहले के समय के लिए एक शब्द पूर्वाहन होगा। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला है, निषादों के राजा दासराज की पुत्री का नाम सत्यवती था। अगला हम लोग देखेंगे तो सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। भूल गया है कि वो इंसान के कवि बंशीधर श्रीवास्तव है, तो ये हो जाएगा आपका गलत कथन है। उसके बाद आपका है बाल लीला पाठ एक कविता है, तो ये सही कथन है। दानव के बाग में सतालू के 12 पेड़ थे, तो ये भी सही कथन है। सहमत शब्द का विलोम शब्द असहमति होगा, तो ये गलत कथन हो जाएगा। सृष्टि शब्द का पर्यायवाची संसार है, तो ये हो जाएगा सही। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे तो नीचे दिए गए अक्षर वर्ग पहेली में 5 महापुरुषों के नाम छिपे हैं, उनके नाम ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें से आपको 5 महापुरुषों के नाम यहाँ पे मिल जाएंगे। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पे देखिएगा, पहला का आंसर हम लोग को नहीं पता। सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे तो कुल एवं कुल शब्द के प्रयोग का अर्थ स्पष्ट करिए, तो इसका आपको यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद है, चैन नाना मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। अगला, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? तो ये हो जाएगा आप लोग का। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़ग सिंह की सोच में परिवर्तन हुआ? तो ये हो जाएगा ये वाला आपको आंसर। अगला अपना है, अपने पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता की 8 पंक्तियाँ को लिखिए। तो हम लोगों ने भूल गया है कि वो इंसान लिखा है, तो यहाँ पे इसका 8 पंक्ति लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। अपने विद्यालय पर निबंध लिखिए अथवा अपने बचपन का कोई मज़ेदार घटना बताइए। तो मेरे विद्यालय यानी कि अपने विद्यालय पर हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे निबंध, तो मेरे विद्यालय का नाम यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिख लेना है। यह एक आदर्श और अच्छा विद्यालय है, यहाँ ये आप लोग को यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद नीचे आप लोग को कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लगभग आपके स्कूल में जितना स्टूडेंट होगा वो लिख लेना है, और आपके स्कूल में जितने टीचर होंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा, बाकी आप लोग को सेम टू सेम उतार देना है। इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।